इस देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो मजदूर हैं और मवेशी पालकर जीवन गुजारा करते हैं, और वो सब बहुजन समाज के लोग हैं। उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्या उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या वो प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं? ये देखिए, आज के डेट में अगर नॉनवेज की बात करें तो सबसे बढ़िया गोश्त जो है वो बकरे का माना जाता है। कोई धार्मिक टीका टिप्पणी भी नहीं है, रेट भी अच्छा मिलता है। और ये तमाम मैं इस समय जयपुर से उदयपुर की तरफ बढ़ा हूँ और रास्ते में बकरियाँ हैं, कोई इनकी बात नहीं करेगा। मेरा बचपन भी इसी तरह से बकरियों को पालकर गुजरा है। तो किसान जातियाँ में जो खासकर जो एससी एसटी ओबीसी के लोग होते हैं उनके उनका रोजी रोटी भी होता है ये। क्या नाम है आपका? कदौड़। हैं? कदौड़ है मेरे को। तो ये ज़मीन है आपके पास खेती के लायक कि नहीं है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत है? हाँ। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। पिताजी पढ़े लिखे थे आपके? नहीं, कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे 3 लड़की है 1 लड़का। तो वो स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं। किस किस क्लास में पढ़ते हैं? ओ तो LKG LKG में पढ़ते हैं, छोटा बच्चा है। तो प्राइवेट में सरकारी में? प्राइवेट में। तीनों बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? हाँ, तीनों। कितना महीना लगता है? महीने का 6,000, साल का 6,000 लेते हैं। अच्छा, इससे कितनी आमदनी हो जाती है? इससे तो हो जाते 50-60,000 रुपये, 1,00,000 रुपये साल का। हाँ। बस साल का? पूरे? हाँ, साल का। साल का 1,00,000। कितनी बकरियां हैं आपके पास? 30 है टोटल। 30 है? 30 है। तो यहाँ क्या भाव, कैसे बेचते हैं? बकरे बेचने पड़ते हैं? बकरा 30,000 का भी चल जाता है, 20,000 का भी चल जाता है, 5,000 का भी जाता है, छोटा बच्चा 5,000। और यहाँ मीट कैसे किलो मिलता है, केजी? मीट को पता नहीं सर। आप खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। आप खाते नहीं हैं? पालते हैं? पालते हैं। तो कब बिकता है ये बकरीद में? बकरी बकती है, बच्चा हो जाता है, कटिया कटिंग दे जाते हैं। कितना किलो का होता है तो बेचते हैं? छोटे बच्चों को बेचते हैं, 5 किलो बेचते हैं, 10 किलो बेचते हैं, जब जरूरत रहे तो। हाँ, जब जरूरत पड़ जाएगी। जब तो घर पर रखते हैं तो वहाँ भी कुछ खाना देते हैं इसको? घर पे चारा राबड़ी अबड़ी बाजरा जरा खिलाते हैं, पानी यानी पिलाते। बच्चों आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी तो नहीं है, हमारे संत हो गए, पहली बकरी चराता था। बकरी चलाते थे? हाँ। आप भी बकरी चरा रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? बच्चों को तो मैं तो पढ़ा लिखा कि भाई अब हम दुख पाए तो बोझ तो पढ़ ली। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये काम ना करें? हाँ, यही चाहते हैं। मैं इनसे ये भी नहीं पूछ सकता कि एससी हैं एसटी हैं ओबीसी हैं, लेकिन सोचिए हम 21वीं सदी में हैं और जब इनके बच्चे, ऐसे लोगों के बच्चे जिनके बाप पुश्तैनी काम कर रहे हैं, इनके बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाने लगे हैं तो सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल कॉलेज ख़त्म हो रही है। ये इस देश की सच्चाई है। लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज भी मवेशी पाल के, गाय पाल के, बकरियाँ पाल के, ये असली देशवासी हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन जब इनके बच्चों की पढ़ने लिखने की बारी आई है तो स्कूल कॉलेज को बंद किया जा रहा है। तो ये बकरियां हैं, मैं किसी पेशा को ख़राब नहीं कहता हूं, लेकिन सोचिए कि ये कौन लोग हैं और इनके लिए क्या प्लानिंग है। इसको क्या इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? इनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? और क्या वजह है कि ये चाहते हैं कि इनके बच्चे इस धंधे में नहीं आए? एक और बुज़ुर्ग हैं, उनसे चल के भी बात करेंगे, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। इस समाज की बात करने वाला, इन लोगों की बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने इनके समाज में न कोई IAS है, न PCS है, न कोई इंजीनियर है, न डॉक्टर है, न कोई पत्रकार है, न कोई जज है। तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम ऐसे लोगों की खबरें आप तक दिखाई जाए। और शानदार, मैंने आपको उत्तराखंड से भी दिखाया, हिमाचल से भी दिखाया था। आइए एक और चरवाहा से मिलते हैं। ये एक और चरवाहा है मेरे साथ और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए बकरियों का। और जब राजस्थान चुनाव होगा तो हम लोग इस मुद्दा को भी उठाएंगे कि जो मवेशी पालने वाले लोग हैं उनकी स्थिति कब बदलेगी, कैसे बदलेगी। देखिए छोटे छोटे मेमने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी लगता है इस बकरी ने, इन्होंने अभी बच्चा दिया, इन्होंने अभी बच्चा दिया है। हाँ। क्या नाम है आपका? मारो नाम किशन जी। किशन जी, तो बचपन से बकरी पाल रहे हैं? हाँ, थे बचपन से। हाँ, मैं तो बचपन से पाल, बचपन से। और आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारा मर गया। मर गए? वो क्या करते थे? मारो पिताजी भेड़ चलाता है। भेड़ चलाते थे। तो जमीन है आपके पास? घर है, जमीन है? हमारा जमीन, गरीब आदमी। गरीब आदमी है।
मर्द आई जिम्मी से रबन झोपड़ी मर्द झोपड़ी है झोपड़ी गरीब आदमी जी भाई गरीब आदमी है। सरकार से कोई मदद मिलती है? सरकार से गांव मिले थे और कौन मिले। बच्चे कितने हैं? बच्चे दो ही इधर है। तो वो क्या करते हैं? एक तो चाय की करते हैं, एक और मजदूरी करते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं किया उन्होंने? पढ़ाई हम अगर दाम नहीं आजकल पीछे चलते। हाँ तो सोचिए ये स्थिति है इस देश के गरीब मजदूर लोगों की और इनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी इसके लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ ये भी आपका है? हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा काट लेगा वो? हाँ कोई नहीं बास नहीं आ रही है। कोई नहीं आप आराम से रहिए। तो ये कुत्ता भी आपका है? तो ये कुत्ता ट्रेंड है, अगर कोई इनकी बकरी चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो उसको काट लेगा। तो अगर कोई बकरी चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसको काट लेगा। हाँ। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये है इनकी ज़िंदगी। और जब इनके पढ़ने लिखने की बारी आई है, नहीं अभी मत कटवाइए हमें, अभी मत कटवाओ। हाँ तो समझते है। सो कर देने बार तंग लग जा। सो करेंगे तो काट लेगा मुझे। हाँ ये से तो बचाइए मुझे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और वो कह रहे हैं कि ये कुत्ता जो है वो तुम्हें काट लेगा, वहाँ मत जाओ। तो बहुत तो इनकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये मवेशी पाल रहे हैं और इस देश में ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं जिनकी कोई बात नहीं करता है। मेरी कोशिश होती है कि देश घूम रहा हूँ और ऐसे तमाम लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू कराऊँ। सिस्टम में नहीं है, सत्ता में नहीं आएंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं और इस देश में जो टीवी है, अखबार है, मीडिया है, उनके पास वक्त नहीं है इनकी बात करने के लिए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी लाचारी बेबसी की जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, राजस्थान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।